चलें मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट यहाँ से है कि मेरा नाम मोहम्मद जिशान अकरम है और मैं PhD स्कॉलर हूँ KU लियोन बेल्जियम में। तो इस सेशन में जैसे सर ने ऑलरेडी बयान किया है कि हम लोग इंट्रोडक्शन बताएंगे अपना, और उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन के बारे में बताएंगे कि हमने कैसे इसको अचीव किया है और आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो एक और दो चीज़ें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड की हैं इसमें, थोड़ी सजेशंस हैं और रिकमेंडेशंस हैं, तो होपफुली हम उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और मेरी प्रेजेंटेशन मैक्सिमम 10 से 12 या मैक्सिमम 13-14 मिनट की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ये है कि मैं इस वक्त यूरोपियन यूनियन होराइजन 2020 मैरी क्यूरी प्रोग्राम के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है मोनोगट हेल्थ। और इसके लिए हम लोगों को डेजिग्नेशन दी गई है अर्ली स्टेज रिसर्चर्स की KU लियोन बेल्जियम के अंदर। तो मैं ऑलरेडी जॉइंट PhD प्रोग्राम में भी हूँ जो कि लियेश यूनिवर्सिटी बेल्जियम के साथ चल रहा है, और मैंने मास्टर स्टडीज जो की हैं वो टर्की से की हैं, नीदे उमर हेलेंसदेमिर यूनिवर्सिटी टर्की से। और उसके बाद मैंने कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी किए हैं, उनमें सबसे जो बेहतर प्रोग्राम था वो था एरास्मस प्लस एक्सचेंज प्रोग्राम जो कि मैंने यूटीपी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोलैंड में किया था। और मैंने अपने बैचलर डिग्री DVM के दौरान ही एक मेवलन एक्सचेंज प्रोग्राम भी किया था जो कि टर्की में था, नीदे यूनिवर्सिटी में। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अवेल की, लेकिन कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स और प्रोग्राम्स भी हैं जो मैंने अवेल नहीं किए लेकिन उनके लिए मैं सिलेक्ट हो गया था। और उनमें जो सबसे अच्छा था वो था क्वीन एलिजाबेथ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप एट UPM मलेशिया। तो इसको मैंने अवेल नहीं किया, और उसके बाद मैं इसके लिए भी सिलेक्ट हो गया था डिस्टेंस लर्निंग कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप एट रॉयल वेटरनरी कॉलेज लंदन के लिए। तो कुछ मसरूफियात और स्केड्यूल स्केड्यूल की वजह से मैं फिर इन दो जो अपॉर्चुनिटीज हैं इनको अवेल नहीं कर सका। और ये मैंने आपको QR कोड अपना प्रोजेक्ट के बारे में शो किया, आप इसको स्कैन करके फर्दर मेरी प्रोफाइल और मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बेहतर जान सकते हैं। और कुछ मोटिवेशंस के बारे में बताऊंगा कि हमें फॉरेन सर आपकी स्कॉलर्स क्यों स्लाइड मूव मिलते नहीं हो हैं। रही। जी अब मूव अब हो हो रही रही है। है। जी जी हो रही है। जी जी बिल्कुल अब हो रही है। सही है, चलें। एंड वन मोर थिंग जीशान, कैन यू प्लीज इंक्रीज योर स्क्रीन साइज? थैंक यू। मैक्सिमाइज कर दें निशान इसको। अब ठीक है। जी अब ठीक है, बट इसको फुल स्क्रीन कर दें तो ज्यादा यहाँ फुल पे फुल है फुल स्क्रीन कर दें, F5 दबा कर इसको। ना। निशान इसे प्रेजेंटेशन मोड पे ले आया। अब अब ठीक है, आपको नजर आ रहा है? जी 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 नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपकी प्रोफाइल को देखना चाह रहा था, वो असल में जब मैं स्क्रीन को जूम करने की कोशिश करता हूँ तो जूम नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड टू मैक्सिमाइज योर स्क्रीन साइज, अदरवाइज इट्स ओके, यू कैन कैरी ऑन। थैंक यू। ओके मैं आपको QR कोड या फिर अपने जो प्रोजेक्ट का लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में भी सेंड कर दूंगा, फिर आप फर्दर वहां से इसको देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा मोटिवेशन के बारे में बात करूंगा कि हमें फॉरेन स्कॉलरशिप्स क्यों उसके लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात ये है कि फॉरेन स्कॉलरशिप का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन हमें मिल जाती है, और दूसरे नंबर पे ये है कि इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। आप मल्टी कल्चर के अंदर स्टडी करते हैं और मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं, उनके कल्चर्स को देखते हैं, उनकी थिंकिंग को देखते हैं, और उसके बाद उनकी जो रिसर्च क्वालिटी है वो बेटर होती है, तो आप उसमें ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तीसरे नंबर पे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो कभी कभार आपको एकेडमिक से ज़्यादा फायदा दे जाती है। तो नेटवर्किंग पे मैंने एक स्लाइड बनाई है, वो एंड पे मैं बताऊंगा उस पर।
लेकिन इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा कंसिडर करें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं कि नेटवर्किंग की वर्थ जो है वो कभी कभार एकेडमिक से भी ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद आपको फॉरेन स्कॉलरशिप से कम्पिटेंसी आती है आपके अंदर, आप डिफरेंट इन्वायरमेंट और चैलेंजेस के साथ खुद को अडॉप्ट करते हैं और लर्निंग करते हैं, और जो आपको करियर बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। और उसके बाद आपको सफिशिएंट फंड्स मिलते हैं जो आप अपने रिसर्च और लिविंग एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए यूज़ करते हैं। क्वालिटी लाइफ बहुत अच्छी होती है फॉरेन कंट्रीज में। और उसके बाद जब आपके पास इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशंस होती हैं तो आपको जॉब्स भी अच्छे पोजीशंस पे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एट द एंड जो बहुत ज़रूरी है कि आप अर्न करते हैं डॉलर्स, पाउंड्स या यूरोस में, और ये करेंसी डिपेंड करती है आप किस कंट्री में, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूरोप की। तो मैं थोड़ा बताते जाऊँ कि मेरी स्टोरी क्या थी कि जब मैं डीवीएम के फिफ्थ सेमेस्टर में था तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया कि मुझे फॉरेन में स्टडी करना है, अपना मास्टर भी और अपनी पीएचडी भी, क्योंकि मैं अपने टीचर्स को देखता था कि वो जब बाहर से पढ़ के आते थे तो उनका बिहेवियर और उनकी कंपिटेंसी बहुत अच्छी होती थी एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो इधर से स्टडी कर रहे थे। तो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे बाहर जाना है और वहाँ से स्टडी करनी है, कुछ अच्छी स्किल्स को एक्वायर करना और उनको बैक ट्रांसफर करना पाकिस्तान के अंदर। तो इसके लिए जब डीवीएम का 9th सेमेस्टर था तो तब तक मैंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए थे, मेरा एक रिसर्च आर्टिकल भी एक्सेप्टेड था। और उसके बाद मैंने तमाम एप्लीकेशंस में अप्लाई करना शुरू कर दिया, हालांकि मैं उनमें एलिजिबल भी नहीं था, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस कि मैं सेल्फ लर्निंग करना चाहता था, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं था होना चाहता। तो मैंने ट्राई किया कि मैं खुद ही इन सारी चीज़ों को सीखूंगा। गूगल, यूट्यूब, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, मैंने इन सब को ज्वाइन किया और सेल्फ लर्निंग के थ्रू मैंने अपने इस मोटिवेशन को या जो मेरे गोल्स हैं इनको अचीव करने की कोशिश की। तो अब मैं जो जिस पोजीशन पे हूँ, ये यूरोप की हाईएस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, मैं आगे इसके बेनिफिट्स आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक मुझे पहुँचने के लिए एटलीस्ट 100 रिजेक्शंस को फेस करना पड़ा, और ये 100 रिजेक्शंस जो होती हैं, ये हर रिजेक्शन पे आपको लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो जो इस चीज़ को बर्दाश्त कर गया, जो इस चीज़ को फेस कर गया, वो आने वाले कुछ दिनों, महीनों या सालों में बहुत अच्छी पोजीशंस पे होंगे। तो इसलिए रिजेक्शन से नहीं डरना, डरना ये है कि आप अपनी मोटिवेशन या ख्वाब या गोल्स को ना छोड़ दो। तो अब मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग सैलरी पे बात करेंगे। जो इस वक्त ग्रॉस सैलरी है हमारी, वो ये है कि हमें वो पे करते हैं 3270 यूरो पर मंथ, और इसके अलावा हम लोगों को पे किया जाता है मोबिलिटी अलाउंस जो कि 600 यूरो पर मंथ होता है। और अगर आपकी फैमिली है, जैसे आप पे कोई डिपेंडेंट है, वाइफ है या कोई चाइल्ड है, किड है, तो आपको 500 यूरो पर मंथ एक्स्ट्रा पे किए जाएंगे। तो टोटल ग्रॉस सैलरी जो इस वक्त एक अर्ली स्टेज रिसर्चर की है वो ये है कि वो उसको पे किया जाता है 4370 यूरो पर मंथ। तो नेट सैलरी जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करती है कि कोई कुछ कंट्रीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ बहुत ज़्यादा चीप है। तो करेक्शन फैक्टर के बाद जो आपको नेट सैलरी आपके अकाउंट में आती है वो इस रेंज के अंदर आती है 1900 to 2900 यूरो। तो आप जितना भी अपने एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा लो, एट द एंड आपको मतलब होम टैक्स जो सैलरी होगी वो 2 लाख 3 लाख पाकिस्तानी आपके अकाउंट में सेव हो जाया करेगी पर मंथ। तो इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि आपको इसमें ट्रेनिंग स्कूल्स मिलते हैं, जैसे मुझे 5 ट्रेनिंग स्कूल्स हैं 3 साल के अंदर जो मैंने 5 डिफरेंट कंट्रीज में जाके अटेंड करने हैं। उसके बाद सेकंड मेंट है कि आप एज ए एम्प्लॉय इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो अभी मैं रिसेंटली नेदरलैंड्स में था तो वहाँ मैं ये काम कर रहा था, 1 मंथ की थी मेरी जॉब, तो उसको मैंने अभी कंप्लीट किया और बेल्जियम में वापस आया हूँ मैं। और उसके बाद ये कि आप रिसर्च डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में करते हैं, जैसे मेरा एक एक्सपेरिमेंट बेल्जियम में है, दूसरा एक्सपेरिमेंट मेरा पोलैंड में होगा, थर्ड हम लोगों ने भी डिसाइड करना है कि जर्मनी में है या आयरलैंड में है, इस पर हम लोगों ने बात कर ली। कॉन्फ्रेंसेस, इसमें आपने एटलीस्ट 2 टू 3 कॉन्फ्रेंसेस जो इंटरनेशनल हाई लेवल पे होते हैं उनको अटेंड करना होता है,
वर्कशॉप्स और वीजा वगैरह आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। निशान सॉरी आपको आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप अपनी स्लाइड्स मूव कर रहे हैं? जी जी कर रहा हूँ। आपकी जो स्लाइड शो हो रही है वो मोटिवेशन फॉर फॉरेन स्कॉलरशिप्स है, तो काइंडली आप अपनी स्लाइड्स को अगर रोटेट कर रहे हैं तो एक दफा इसको चेक कर लें। उसके बाद ये कि आपको रिसर्च जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो 70,000 यूरो फॉर योर पीएचडी है, तो इसमें आपने इस बजट के अंदर रह के आपने अपना रिसर्च करना होता है। और जैसे ही मतलब ये होता है कि 6 से 7 इंस्टीट्यूट्स मिलके ये प्रोजेक्ट को राइट करते हैं और अप्रूव करवाते हैं यूरोपियन यूनियन से, जैसे ही वो प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव होता है तो उसमें उन्होंने पीएचडी रिसर्चर्स को रिक्रूट करना होता है, तो उनके पास टाइम होता है 6 से 12 मंथ, तो इसके अंदर उन्होंने रिक्रूट करना होता है, तो ये सारा साल ही चलता है। ठीक है ना, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते रहते हैं, उसमें स्टूडेंट्स उन्होंने रिक्रूट करना होता है, तो ये सारा साल इसका मतलब इंटेक चलता रहता है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय प्लस स्टूडेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपको ड्यूबन 14 सैलरी पर ईयर देता है, ये आपका एम्प्लॉय बेनिफिट है, लेकिन साथ ही आपको कुछ बेनिफिट स्टूडेंट्स के भी हैं, जैसे बस कार्ड हो गया और बाकी म्यूजियम कार्ड और ये वो सब कुछ आपको स्टूडेंट बेनिफिट्स के तौर पर दिए जाते हैं। तो मेरी ये सारी जर्नी के दौरान मैंने ये देखा है कि ऐसे कौन से जो स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं जो हमें या डिफिकल्टीज हैं जो हमें देखने को मिलती हैं कि हम इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं, या अगर पहुंचते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। तो वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन और गाइडेंस नहीं होती बैचलर में, और उसके बाद कोई कोर्सेज नहीं होते राइटिंग के अबाउट, रिसर्च डिज़ाइन के अबाउट या रिसर्च प्रपोजल लिखने के अबाउट, और उसके बाद हमें ये नहीं पता होता हमने किसी रिसर्चर को कैसे अप्रोच करना है। और एट द एंड जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा मतलब न्यू स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये चाहते हैं कि जो सीनियर्स हैं वही आपके लिए अप्लाई कर दें और आपको फंडिंग दिलवा दें और वीज़ा भी वही अप्लाई करवा के तो वो आपको अपने पास बुला लें। ऐसा नहीं होता, आपने खुद से ही सब कुछ करना होता है। और ये थोड़ी सजेशंस हैं मेरी तरफ से जो न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो ये हैं कि थिंक आउट ऑफ द CGPA बॉक्स। हर चीज़ CGPA नहीं है, मतलब CGPA है लेकिन हर चीज़ CGPA नहीं है। CGPA के अलावा आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें, आपका सेटअप जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, आप इंटरडिसिप्लिनरी वर्क करें, जैसे न्यूट्रिशन आप जस्ट कन्वेंशनल न्यूट्रिशन नहीं रही, इसमें आपको मोलेकुलर बायोलॉजी आनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी आनी चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें मतलब जब आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में काम करेंगे तो आपको स्किल्स अच्छे से आएंगी। और चौथे नंबर पे ये है कि आप अपग्रेड करें खुद को टाइम के साथ, जैसे कि जो स्किल्स आपको 2025 में चाहिए या 2026 में चाहिए आप अभी से उन पर काम करना शुरू कर दें। जैसे आपको पता है कि आपको डेटा एनालिसिस या आर स्टूडियो या कोडिंग की ज़रूरत पड़ेगी 2025 में, तो आप ट्राई करें अभी से उन पर काम करना शुरू कर दें कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसमें स्किल्ड पर्सन हों। और उसके बाद आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करो, फेसबुक पे है, स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम पे है, बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन पे है और ट्विटर पे भी है। और उसके बाद आप लोगों से डिस्कस करो, मतलब अगर आपने कहीं अप्लाई करना है तो अप्लाई करने से पहले किसी को अपनी सारे डॉक्यूमेंट सेंड करो और ट्राई करो कि उनसे रिव्यू करवा लो ताकि वो आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको हाईलाइट कर सके। तो ये एक इक्वेशन है जो कि बहुत अच्छी है कि अगर आप कंटिन्यूसली लर्निंग करते हैं तो ये आपको आने वाले वक्त में एक अच्छा करियर, एक अच्छी इनकम, एक अच्छी लाइफ और एक हैप्पी फैमिली दे सकती है आपको। अगर आप अपनी लर्निंग को यहीं स्टॉप करते हो मेरी तरफ से कि नेटवर्किंग ग्रुप हम लोगों को बनाना चाहिए, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप हो जाए, टेलीग्राम या जीमेल, जिसमें हम लोग या तो न्यू स्टूडेंट्स को एंगेज कर लें डिवाइड करके, या फिर यह है कि सारे स्कॉलर्स एक ही ग्रुप में आ जाए
और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसी ग्रुप में ले लिया जाए। तो जिनके कुछ मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर उनको किसी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वहीं से पेस्ट करें अपना क्वेश्चंस वगैरह, तो जो रेलिवेंट स्कॉलर होगा जो इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी कर रहा है तो वो उसको उसका जवाब दे देगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक नेटवर्किंग ग्रुप हम लोग क्रिएट कर लें ताकि आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स को थोड़ा फायदा हो। और होमवर्क है मेरी तरफ से स्टूडेंट्स के लिए, मैं अभी कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा, आप इन लिंक्स को गो थ्रू करें और आप देखें कि इन पे किस टाइप की पोजीशंस आती हैं और इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बाकी कंट्री टू कंट्री वाइज जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।